फिर मन के सवेरे सुना है, किसी को देखते ही मन में शुभ विचार करना, चाहे कोई कैसा भी हो, कि तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की भी पवित्रता सवेरे सुना है, किसी का पैसा पति का भी हो, जेब से निकाल के बाबा को दान करना चाहिए, नहीं। हाँ, आज की दुनिया में करप्शन, कहते गवर्नमेंट में काम करते हो, हाँ करप्शन लेकर के बाबा को देंगे, दान करेंगे, नहीं, ऐसा धन नहीं चाहिए, सच्ची कमाई चाहिए। तो इसके लिए तन की, मन की, धन की, बोल भी कभी कभी गलत शब्द निकलते हैं कि नहीं निकलते, हाँ, तो बोल की भी स्वच्छता, ये सभी प्रकार के पवित्रता है, उसको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता कहते हैं। सिर्फ मैंने शादी नहीं किया इसलिए पवित्र नहीं है ना, शादी तो ब्रह्मचर्य लाख हुआ है जंगल में, कितने हैं शादी करने, सत्युग में आएंगे, तो हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए, तन की चाहिए, खाने की चाहिए, बोल की चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कई जगह पर हम कुछ गलत देखते भी है सुनते भी है, कभी भी एक दूसरों को नहीं सुनाना चाहिए, सुना था सवेरे गलत समाचार कभी सुनाना चाहिए, सुनाना चाहिए जरूर, क्या शुभ समाचार सुना, अगर उनको गलत सुना हो तो कोई कुछ कर सकता है, उनके मन में गलत बातें क्यों रखना चाहिए, कि कभी कभी रखना चाहिए, भाई बताओ कुछ गलत देखा सुना तो दूसरों को सुनाना चाहिए ना, हाँ नहीं चाहिए, कभी कभी सुनाना चाहिए, नहीं पक्का, माता जी बताओ थोड़ा सुनाना चाहिए, नहीं पक्का, हाँ एक उसको क्यों कहते हैं तुम्हारा चिंतन, निंदा, भगवान के बच्चों की निंदा नहीं, कैसे भी खराब है लेकिन वो भी भगवान का बच्चा है ना, अगर उसको ठीक करना चाहते हो तो उसको ठीक करने के लिए भी बाबा को बताओ, देखो बाबा ने व्यवस्था बहुत सुंदर सुनाया, 1979 दो साल के अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि आप इधर ही बाबा के सेंटर में ही, कोई एक भाई है माता है बहुत गुस्सा करते हैं, बाहर का खाते हैं, चाय पी गए, माता जी ने देखा ये भाई रोज क्लास भी करता है, योग भी करता है, बहुत गुस्सा भी करता है, दूसरों को दुख भी देता है, बाहर का भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, तंबाकू भी खाता है, तो क्या करेंगे आप, आपने देखा क्या करेंगे, माता जी बताओ, नहीं दूसरी माता जी को नहीं बताएंगे, हाँ उनको भी बताएंगे ना, उनका परिचय देंगे ना, अरे माता जी ये भाई रोज क्लास करता है, योग करता है, देखो गुस्सा भी करता है, ऐसा भी करता है, बताएंगे ना, बताना नहीं चाहिए, हाँ तो क्या करेंगे, हाँ ये भी भगवान के बच्चों की निंदा हुई, अगर आपने गलत देखा सुना, कोई माँ बाप है ना, माँ निधन के बच्चे तो नहीं, धनी तो ये है, बाबा के कमरे में बाबा ये आपका बच्चा रोज क्लास में आता है, योग भी करता है, देखो बाहर का भी खाता है, गुस्सा भी करता है, चोरी भी करता है, इसको आप संभाल करो, ये आपकी बेइज्जती होगी, आपका बच्चा है, बाबा को सुना, फिर आप कहेंगे बाबा एक तो परंदा में बैठा है, एक तो सुखचंद्र में बैठा है, कोई सुनता नहीं हमारे बात, तो क्या करें, किसको सुनाए, कभी कहेंगे तो बाबा सुनता ही नहीं, तो बाबा ने कहा निमित्त टीचर को बताओ, टीचर भी उनकी मिली जुली है, वो भी मेरी सुनती है, हाँ फिर क्या करो, फिर बाबा ने कहा क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो, विधि बताया, चार विधि दिया, क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो, अगर आपने उसको कहा वो मानेगा तो क्या करना चाहिए, तब बाबा ने कहा हाँ अगर आपको लगता है हमारा भाई है हमारे सेंटर में आता है, भाई जी घर में कोई गलत कुछ करता है उसको ठीक करना चाहिए ना, क्या आप ठीक कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उसके पास जाओ, भैया आप बहुत अच्छे हो, रोज क्लास करते हो, योग करते हो, पहले महिमा करो उसके अच्छे तरह से, आप बहुत अच्छे हो, रोज क्लास करते हो, योग करते हो, शिव बाबा के बच्चे हो, ऐसे कहो, फिर कल आप रस्ते पर उनके साथ जोर जोर से बात कर लेते, लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमार आपस में लड़ते हैं, ऐसे बोलेंगे, अगर वो सभ्य है तो कहे बहन जी मुझे उस समय होश नहीं था, भूलोगे दोबारा ऐसा नहीं करोगे, अगर वो थोड़ा कठोर है, मैंने गुस्सा किया आपने क्यों देखा, आपको किसने कहा देखने के लिए, आपको भी कुछ बोलेगा, वो भी सहन करने की शक्ति चाहिए, अगर अपना परिवार कहते हो तो बाबा ने कहा किसी को सुधारना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो तो समझाने की भी विधि बताया, कैसे, पहले उसकी महिमा करो, महिमा करके उसको बताओ भाई जी आपके कपड़े पर दाग लगा, मैं साफ करूं, अगर वो सब भी अच्छा है
नहीं नहीं मैं साफ करता हूँ, नहीं तो मेरे कपड़े पर दाग लगा, आपने क्यों देखा, आपको क्या तकलीफ है, ये भी बोलेगा। तो बाबा ने दोनों व्यवस्था दिया है। अगर कोई कठोर व्यक्ति है तो आपको ही बोलेगा, तो आपको सहन करने के लिए ताकत चाहिए। अगर बाबा का बच्चा अगर गलत भी बोलता है कुछ, तो भी सहन करने की ताकत चाहिए। अगर उसको परिवर्तन करना चाहते हो, आपके अंदर शक्ति है, उसकी महिमा करके उसको समझाना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता, किसी को बाबा ने कहा आपको वॉचमैन तो नहीं बनाया, जो कोई करता वो अपने लिए, आप अपना करो, अपना देखो, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्या है, तो किसी को ड्यूटी दिया है?